जी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ ईमान और दीन स्पीचर्स से आप सबको खुश आमदीद। आई होप यू ऑल आर गुड, आई होप यू ऑल आर हैप्पी। उम्मीद है आप सब ठीक हैं। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एंड टुडे आई वाज लुकिंग फॉर द वीडियो, मैं वीडियोज़ को ढूंढ रही थी एंड आई फाउंड अ रियली वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। जो मेरे पास आज वीडियो है उसका बड़े मज़े का टॉपिक है। सो आई रियली फाउंड इट इंटरेस्टिंग, क्योंकि नॉर्मली भी इंटरेस्टिंग की होती हैं जो वीडियोज़ के टॉपिक्स होते हैं, लेकिन मतलब ये जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड ऑब्वियसली इसमें जो है वो नॉलेज भी होगी, इसमें जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि इट्स डॉक्टर ज़ाकिर नाइक वीडियो एंड द टॉपिक वी हैव टुडे इज़ दैट अ हिंदू सिस्टर मेक्स फन विद डॉक्टर ज़ाकिर नाइक। सो या इट साउंड्स रियली इंटरेस्टिंग आई नो। तो इसीलिए वी विल वॉच द वीडियो टुगेदर एंड आई विल शेयर माई रिव्यूज अबाउट इट विद यू इन द एंड। बिफोर दैट सब्सक्राइब दिस चैनल if you haven't yet, so jo nayi nayi videos hain aap tak pehle pahunch rahe hain, and without any further delay let's get started, let's watch the video, let's see what we have in it. assalam alaikum zakir sahab, aapne palat ke jawab nahi diya. ji mera naam renuka hai. wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. ji सर, मेरा नाम रेणुका है और मैं एक महाराष्ट्रीयन परिवार से हूँ। सर, मेरा सवाल ये है, मैंने सबके सामने इस्लाम कबूल नहीं किया है और मैंने पिछले 2 साल पहले से ही नमाज़ पढ़ना और रोज़े रखना चालू किया, खुद ही अपने मन से ही। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सबके सामने मुझे इस्लाम कबूल करवाएं, ये मेरी आपसे गुजारिश है। और मेरा ये सवाल है कि मैं एक महाराष्ट्रियन परिवार से होने के वजह से जो सभी नॉन मुस्लिम के दिल में होगा जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, वो ये है कि मेरे घर पे जो बुत परस्ती हो रही है उसे कैसे रोकूं और उससे कैसे बचूं, और मेरे साथ मेरे माँ बाप को कैसे समझाऊं कि खुदा एक है। बहन माशाल्लाह 2 साल से इस्लाम का मुताला कर रही है जी, और उसे यकीन हो चुका है कि इस्लाम सही मज़हब है और वो इस्लाम कबूल करना चाहती है। बहन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई शख्स आप पर ज़बरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई आप पे दबाव है? नहीं। माली दबाव या प्रेशर? नहीं। आप अपने मन से कबूल करना चाहते हैं? जी। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी। आप मानते हैं कि खुदा के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए? जी। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खुदा के आखिरी पैगम्बर है? जी। बेशक। और आप चाहते हैं कि सारे लोग के सामने आप कबूल करें। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसको दोहराइए। जी। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह वा अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु वरसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ के अल्लाह के इलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। माशाल्लाह, आप मुस्लिम हो चुके। जी, शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, और मैं कहूँगा कि मजमा कितने लोग हैं पता नहीं, 1 लाख से ज़्यादा लगते हैं। मैं कहूँगा कि सारे सामाइन से कि आपके लिए दुआ करें और अल्लाह आपके जद्दोजहद को कबूल फरमाएं। आपका सवाल था कि आप किस तरीके से आपके घर वालों को, आपके वालदेन, आपके वालिद वालदा को किस तरीके से इस्लाम की दावत दे और किस तरीके से ये साबित करे कि खुदा एक है। सबसे पहले जिस तरीके से मैं तकरीर किया हूँ, क्योंकि आप एक महाराष्ट्रन खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, जाहिर है कि आप हिंदू खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, आप अगर मेरी कैसेट सुनेंगे, सिमिलैरिटीज़ बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुज़म,
इस्लाम और हिंदू धर्म में इंसानियत। मैं कहूँगा वॉलंटियर से कि मेरी तरफ से आपको एक तोहफा दे, आप उस डीवीडी को देखिए और वो डीवीडी का मुताला करने के बाद आपके वालदेन आपके घर वालों से ये कहो कि आप जो यक्सा है हिंदुइज्म और इस्लाम में उसके ऊपर कम से कम अमल करो और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह सुबहाना व ताला आपके घर वालों को हिदायत देगा। मेरी यह आपसे इल्तिजा है कि आप जब इस्लाम कबूल करती है उसके बाद आपके घर वालों को एहसास दिलाओ कि आप और बेहतर इंसान बन चुकी है। अगर आप जो कुछ आपके वालदेन कहते हैं आप उनकी सारी बातों पे अमल करो, सिर्फ वो बात जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ है, जो क़ुरान और सही हदीस के ख़िलाफ़ है, इसके अलावा जो भी बातें जो भी हुक्म आपके वालदेन आपसे करते हैं आप उसका पालन करो। उनको ये एहसास होना चाहिए कि मेरी बेटी जब इस्लाम कबूल की अब वो मुझसे और मोहब्बत करती है, वो मेरा और कहना मानती है, उसकी मुझसे और चाहत बढ़ गई है। क्योंकि इस्लाम में है कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है, इसीलिए आपको ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि आप उनकी और अच्छी बेटी है। सिर्फ वो चीज़ जो चंद चीज़ें जो वो कहते हैं क़ुरान और सही हदीस के ख़िलाफ़ है वो छोड़ के आप उनकी सारी बातों पे अमल करो, चाहे आपको मुश्किल हो। मिसाल के तौर पे आपको पसंद है पीला पहनना, वो कहते हैं नीला पहनो, तो आप नीला पहनो क्योंकि नीला पहनना इस्लाम में हराम नहीं है। तो इस तरीके से जो भी बातें आपके वालदेन आपसे करते हैं आप उनसे और मोहब्बत करो, आप उनसे और प्यार करो। इस तरीके से उन्हें एहसास होना चाहिए कि ये नया धर्म ये नया मज़हब जिसमें आप दाखिल हुए वो कहता है कि अपने वालदेन का ख्याल रखो। जिस तरीके से कुरान मजीद में फरमाया सूरह इसरा में चैप्टर नंबर 17 में 17 में आयत नंबर 23 और 24 में कि अल्लाह सुबहाना व ताला की इबादत के बाद आपको अपनी वालदेन से मोहब्बत करना चाहिए और अगर दोनों में से एक या दोनों वालदेन अगर ज़ईफ हो जाते हैं आप उनके खिलाफ उफ तक मत कहो, लेकिन उनके साथ अच्छा बर्ताव करो और उनसे प्यार और मोहब्बत करो और अल्लाह सुबहान तआला से दुआ करो कि मेरे वालदेन को बरकत दे और जिस तरीके से उनने बचपन में मेरा ख्याल रखा ए खुदा आप इनका ख्याल रखो। तो इस्लाम में वालदेन की इज्जत करना ज़रूरी है। आप अगर अच्छा बर्ताव करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे कि अल्लाह सुबहाना व ताला आपके वालदेन और आपके घर वालों को भी हिदायत दे। आमीन। के जो इसके जो टाइटल था वो था कि हिंदू सिस्टर मेड फन विद डॉक्टर ज़ाकिर नाइक, वो तो खैर इन्होंने थोड़ा सा ही पार्ट दिखाया स्टार्ट में, लेकिन जो बाकी वीडियो थी इट वाज रियली ब्यूटीफुल आई विल से। कि जैसे हिंदू सिस्टर ने बताया कि वो जो है इस्लाम को फॉलो कर रही हैं, वो नमाज पढ़ती हैं, वो दिल से जो है इस्लाम को एक्सेप्ट करना चाहती हैं, इट वॉज रियली लाइक गुड वॉच ए वेरी नाइस टू सी एंड वेरी ब्यूटीफुल। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह हर किसी को तौफीक दे, अल्लाह हर किसी को इस तरह बनने की तौफीक दे, इस्लाम कबूल करने की तौफीक दे, अल्लाह के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। एंड यह डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने जो बताया कि इस्लाम में जो है वो माँ वालदेन के क्या हकूक हैं और आप किस तरह कन्विंस कर सकती हैं, इट वॉज रियली ब्यूटीफुल एज वेल और काफ़ी नॉलेज मिली मुझे इससे और आई होप आपको भी इससे नॉलेज मिली होगी। और जिस तरह उन्होंने बताया कि इस्लाम जो है वालदेन को क्या क्या हकूक देता है, हमें क्या क्या हमें हम पे क्या क्या फ़र्ज़ है जो हम वालदेन के साथ अच्छा बर्ताव करें, जिस तरह उन्होंने हमें बचपन से पाला हम जो है उनके साथ वैसे ही करें, क्योंकि जब हम जब बड़े हो जाते हैं तो वालदेन जो है वो पीछे जो है एज के बैक चले जाते हैं, तो हमें उनके साथ वैसे ही सलूक करना चाहिए जैसे उन्होंने प्यार से हमें बचपन में उन्होंने पाला। तो या इट वॉज़ अ रियली गुड टाइम वॉचिंग दिस। आई होप यू हैड अ रियली अमेजिंग टाइम, आई होप यू गॉट सम नॉलेज एज वेल और दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड वी विल मीट इंशाल्लाह इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।